ACP Tirupatana, Inspector Murli Krishna, Additional Inspector Rajay Kumar और उनके टीम एक सेंसेशनल क्राइम डिटेक्ट करे. इसमें पांच लोगों का अरेस्ट करे. अरेस्ट के साथ जो चोरी करे गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो करीब 20 तुलास का गोल्ड ऑर्नामेंट्स और 6 लैपटॉप उनके पास से रिकवर किया गया है. इसका MO ये जो पांच लोग हैं, इसमें से एक आदमी जो पृथ्वीराज का नाम का आदमी है, वो पहले जगदीश बाबू जो कंप्लेनेंट न्यूमरोलॉजिस्ट है उनके पास वो करीब 3 महीने काम किया. उसके बाद में पिछले 3 महीने से वहाँ पे काम नहीं कर रहा. उसको ये जगदीश बाबू के पूरे मतलब जितना भी ये न्यूमरोलॉजिस्ट का बिजनेस है और उनका लेन देन है उसका पूरा उसके बारे में जानकारी होने के बाद ये एक गैंग फॉर्म करके स्वरूप कुमार के नाम के आदमी का जो अपने आप को चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी करप्शन कमीशन का एक ऑर्गेनाइजेशन जो फेक ऑर्गेनाइजेशन है ये फेक ऑर्गेनाइजेशन और ये जो इस तरह का आईडी कार्ड्स प्रिंट करके उसमें तरह तरह के डेसिग्नेशन एक चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट इस तरह के मेंबर ऐसे लोगों का एक छः मेंबर का एक गैंग फॉर्म करके ये जो कंप्लेनेंट है जगदीश बाबू इसके पास करीब 9:30 रात में जाके वो ये एंटी करप्शन के विंग से आइडेंटिफाई करके जो ऑफिसर्स है ये उनको धमका के उनके पास 50 लाख का डिमांड करें पैसा. तो जो कैश नहीं था उसके पास तो उसके पास जो भी ऑर्नामेंट थे गोल्ड ऑर्नामेंट 2 चेन 2 ब्रेसलेट और 2 रिंग वो इनको सौंप दिया. वो लेके उसके जो ऑफिस के रूम में लैपटॉप्स थे वहाँ से एक 11 लैपटॉप चोरी करे. वो ये करने के बाद ये लोग वहाँ से भाग गए. ये लोग सब 5-6 लोग है ऑफेंडर्स. इसमें से 5 लोगों को अरेस्ट करे. पूरा ये जो प्रॉपर्टी है गोल्ड ऑर्नामेंट्स और लैपटॉप पूरा इंटैक्ट रिकवर करे. आज इसको ये 5 लोगों को रिमांड करे. आज पृथ्वीराज खुद है उसमें गैंग में. पृथ्वीराज ही ये अप्रोच करे तो पृथ्वीराज ही ये आइडेंटिफाई किया इनके लिए ये गैंग के लिए ये जो एक्यूज कंप्लेनेंट है ये टारगेट को वही आइडेंटिफाई किया. पृथ्वीराज आइडेंटिफाई करा क्योंकि पहले भी एक 354 केस इसके कंप्लेनेंट के अगेंस्ट है. तो इस तरह का मतलब वो जो बोला एक्टिविटीज़ है न्यूमरोलॉजिस्ट है इसके पास लेडीज़ का आना जाना रहता है इस तरह का एक इमेज क्रिएट करके यहाँ इसके पास गए तो पैसा वसूल कर सकते इस तरह का एक इम्प्रेशन ये सब गैंग को देखे और वहाँ से ऑपरेट करे लोग. नहीं अभी तो हमारे पास तो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है. अगर से इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आए तो वो भी उस पर कार्रवाई